नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाई वोल्टेज प्रोब के बारे में। ये देखिए, ये हमारी हाई वोल्टेज प्रोब है। हम इससे हाई वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। चलो अब देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी प्रोब है, ये हमारी हाई वोल्टेज में जाती है, ये वाला फाइनल, और ये ग्राउंड में। और दो ये जो हमारी पिन है, ये हमारी मल्टीमीटर की इनपुट में जाएगी, जो वोल्टेज शो करती है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है और कैसे लगा हुआ है, तो मैं इसका सर्किट आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें हमारी ये चार ये हैं, ये तो हमारी आउटपुट हुई, ये वाली, ये हमारी आउटपुट है, और ये हमारी, ये जो मल्टीमीटर में लग रही है, ये इनपुट है। तो अब ये देख लीजिए इसको कैसे चेक करते हैं। ये हमारी एक रेजिस्टेंस हुई, फिर इसके बाद ये वाली रेजिस्टेंस हुई, इसके बाद ये वाली रेजिस्टेंस हुई, और इसके बाद ये वाली रेजिस्टेंस हुई, ये हमारी यहाँ फाइनल हो गई। ये हमारी इस टाइप से ये होती है, दूसरी एक लीड ये होती है, ये हमारी सीधी यहाँ ग्राउंड होती है। तो ये हमारी आउटपुट हो गई और ये हमारी यहाँ इनपुट हो गई। बहुत सारी रेजिस्टेंस लगाते हैं और हम इससे कैलिब्रेशन करते हैं कि हमारी एक रेजिस्टेंस कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रही है। अगर वोल्टेज होगी तो ड्रॉप बहुत ज़्यादा आएगी और यहाँ पर हमें कम वोल्ट आउटपुट में मिलेगी, जैसे मल्टीमीटर की इनपुट में लगाते हैं, जिससे हमारी वोल्टेज शो हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारी हाई वोल्टेज का एक बॉक्स है। ये देख लीजिए, यहाँ ESD बनती है, ESD हाई वोल्टेज बनती है यहाँ, और यहाँ हम इनपुट में, ये इनपुट है, यहाँ हम कम वोल्टेज देते हैं। तो हम कैसे चेक करते हैं, ये देख लीजिए, हम आपको चेक करना बताएंगे। हाँ, हम इसको कहीं भी बॉडी से इस टाइप से ग्राउंड कर देंगे। इसको हमने यहाँ, इसको बॉडी से हमने एक बॉडी पे लगा लिया है और इसको यहाँ ऐसे लगा लिया, तो ये हमारी आउटपुट आ जाएगी। और ये हमारा मल्टीमीटर है, हम इसे AC हो या DC हो ऐसे सेट कर लेते हैं। जो DC होगी DC में लगा लेंगे, AC होगी AC में, हाई वोल्टेज कोई भी हो सकते है, AC या DC। लीड हम यहाँ इसको फाइनल ऐसे लगा देंगे, माइनस कॉमन में और ये पॉजिटिव रेड में लगाएंगे। तो इस टाइप से हम लगा देंगे, AC और DC हम सेट कर लेंगे, मेरा जो फाइनल होता है। ये दो हमारी लीड है, ये हम कहीं भी बॉडी से अर्थ लगा देंगे, ऐसे बॉडी से अर्थ लगा दी और फाइनल हम इसको यहाँ ये चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये है, तो फाइनल हम ऐसे यहाँ वोल्टेज इस टाइप से यहाँ चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारी ये रीडिंग आएगी, इस टाइप से हमारी कुछ रीडिंग आएगी, 0.3 वोल्ट। तो जब ये हमारी 0.3 वोल्ट आएगी तो इसका मतलब होता है 300 वोल्ट। अब हम इसका कैलिब्रेशन बता देते हैं, के साथ में एक मैनुअल भी आता है। ये 1 mV = 100 वोल्ट, ये 1 mV = 100 वोल्ट। यदि यहाँ मेरी 5 mV आती है तो 500 वोल्ट, और 1 वोल्ट आती है तो 1000 वोल्ट। तो ऐसे हम इसको यहाँ कितनी भी वोल्टेज इससे चेक कर लेते हैं। प्रोब से रिलेटेड और प्रोब आपको हम एक्स्ट्रा दिखा देते हैं, और कुछ हाई वोल्टेज की पावर सप्लाई दिखा देते हैं, और हाई वोल्टेज के सर्किट भी आपके लिए लगा देते हैं। सर्किट आप ध्यान से देख लीजिए और प्रोब भी ध्यान से देख लीजिए।
दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।